चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में होयसल मंदिरों के बारे में। कर्नाटक के मशहूर होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर सूची के 45वें सत्र में ये फैसला लिया गया है। इससे पहले यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। शांति निकेतन और होयसल मंदिरों को इस सूची में स्थान मिलने के साथ ही भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। कर्नाटक में बेल्लूर, हलेबिड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जगह मिली है। अब हम बात करेंगे कि इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ। होयसल मंदिरों का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक है और यही इसका संरक्षण और रखरखाव करता है। होयसल मंदिर 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में थे। जनवरी 2022 में इस मंदिर समूह को वर्ष 2022-23 के लिए भारत की ओर से विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के वास्ते नामित किया गया था। अब हम बात करेंगे होयसल साम्राज्य का कर्नाटक पर शासन जो रहा था उसके बारे में। कर्नाटक स्थित बेल्लूर, हलेबिडु और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर भारत के सांस्कृतिक विभव के प्रतीक हैं। बेल्लूर के चंडकेश्वर, बलेबिडु के केदारेश्वर और होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर का केशव मंदिर उत्कृष्ट स्मारक है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियों को उकेरा गया है। होयसल साम्राज्य ने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक राज्य के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस साम्राज्य की राजधानी शुरू में वेल्लूर में थी, जिसे बाद में हलेबिडु में ले जाया गया था। मंदिरों की अगर बात करें तो हलेबिडु के होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण राजा विष्णुवर्धन के एक अधिकारी केतुमल्ला सेट्टी ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हलेबिडु के ही केदारेश्वर मंदिर को 1173 से 1228 ईस्वी के बीच होयसल काल के राजा वीर बल्ला द्वितीय ने अपनी रानी केतला देवी के लिए बनवाया था। यह मंदिर सोपस्टोन से बना हुआ है और भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव और ब्रह्मा के अवतारों और उनके वाहनों को उकेरा गया है। कर्नाटक का काष्ठ शिल्प, हाथीदांत की नक्काशी, बीदरी कला और स्वर्ण शिल्प कला इस मंदिर के शिल्प में चार चांद लगाने का काम करती है। वेल्लूर के चंडकेश्वर मंदिर का निर्माण होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन ने 1104 से 1117 ईस्वी के बीच में करवाया था। चंडकेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह मंदिर तीन सितारों के आकार के एक मंच पर स्थापित है। इस मंदिर में प्रवेश करने पर भक्तों को स्तंभों का एक सभागार दिखता है जो उन्हें तीन सितारों के आकार के पवित्र स्थान में ले जाता है। पूरा मंदिर मूर्तियों से अलंकृत है। केशव मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं को उकेरा गया है। 64 कोशिकाओं वाला मंदिर चारों ओर से घिरा हुआ है। इस मंदिर के शुरू में वेणुगोपाल, जनार्दन और केशव की नक्काशीदार मूर्तियां रखी गई हैं। मैसूर जिले के सोमनाथपुरा में केशव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 1268 ईस्वी में होयसल वंश के राजा नरसिम्हा तृतीय के मंत्री सोमदन नायक ने करवाया था। मंदिर को होयसल शैली की स्थापत्य कला में बनाया गया है। अब हम बात करेंगे शांति निकेतन के बारे में। नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की थी। वहीं आज विश्व भारती विश्वविद्यालय है। गुरुदेव ने 1901 में सिर्फ 5 छात्रों को लेकर यहां एक स्कूल खोला। दुनिया इसे शांति निकेतन के नाम से जानती है। यह पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। शांति निकेतन भारत ही नहीं दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि टैगोर ने यहाँ कई कालजयी साहित्यिक कृतियों का सृजन किया था। उनका घर ऐतिहासिक महत्व की इमारत है। शांति निकेतन का अर्थ है शांति से भरा हुआ घर। यह सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी केंद्र है। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.